नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि मार्केट में हमें कैसे रिवर्सल पता करना है। क्या मार्केट में ये जो पोजीशन है वो रिवर्स का पोजीशन है, मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट में कैसे, मार्केट कहाँ से हमें जो है सेल करना है, टॉप डाउन कहाँ मार्केट रिवर्स लेता है, बॉटम्स में या फिर अप में, ये दोनों में, इसको हमें डाटा बेसिस पे देखेंगे। और FII की जो भी डाटा है वो कैसे चौंकाने वाली डाटा है, कहाँ से एनालिसिस हमें पूरे लॉन्ग टर्म के जो टॉप डाउन अप्रोच, देखिए मार्केट में दो अप्रोच होता है दोस्तों एनालिसिस करने का, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, फिर हम जिस सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, फिर स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। और बॉटम अप में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, फिर सेक्टर का, फिर जो मार्केट का। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पहला वाला जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्शन में चलेगा तो ही आपको कोई सेक्टर या फिर स्टॉक चलेगा। तो उसको हमें कैसे एनालिसिस करना है, उसके बाद हम जो अभी मई का डाटा है उसमें FII ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसको कैसे हम देखना है, पूरे लॉजिकल लॉजिक के आधार पर हम देखेंगे ताकि आपको एक चीजें पूरे क्लियर हो जाए। तो एक बार चलिए हम डाटा देख लेते हैं कि मई में क्या आया, मई में FII ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये मई का डाटा है, जो 15 मई में इन्होंने क्या किया, ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा इनमें लाया था 1500, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा पैसे यहाँ टेस्ट करके निकाल रहे हैं। तो कंटिन्यूस जब ये पैसा लगाते हैं तो अभी क्या फास्ट मूविंग कंज्यूमर मोड में देखिए इनको ये पैसा आ रहा है, धीरे धीरे FMCG में पैसा आ रहा है। और ये देखिए सेक्टर, इस सेक्टर का कोई बात नहीं करता है दोस्तों, फॉरेस्ट मटेरियल का, आप इस सेक्टर का कोई बात नहीं करता है। इस सेक्टर में देखिए इनका कंटिन्यूस पैसा आ रहा है, बहुत ही छोटा सेक्टर है और इसमें बहुत कम स्टॉक्स हैं, कंटिन्यूस पैसा आ रहा है। मेटल एंड माइनिंग में पूरे 4 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम इनको ऊपर लेके गए और यहाँ पे देखिए हम और आप इन्वेस्ट करेंगे और ये यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं पूरे, आप देखिए यहाँ से पैसे भी निकाल रहे हैं 1 महीने से। और ये भी पावर सेक्टर में नया जो एक है पावर सेक्टर में, इसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो आप जाके पावर सेक्टर का स्टॉक्स वहां से पकड़ सकते हैं कि कौन से इस कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वहां से देखिए इनका क्या है होरिजन 3 से 4 महीने का होता है। तो हम ये नहीं कि ये जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वहीं पकड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहां पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां से नहीं भी पकड़ पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उनके 5% ऊपर पकड़ लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल जो बीच के जो भी उसमें क्या रैली होगा मार्केट का, उसमें बिल्कुल उसको कैच करेंगे, क्योंकि वो 5% 10% के लिए काम नहीं करते हैं, वो हमारे स्टॉक्स को 5 गुना 10 गुना ऐसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स स्टॉक को लेके जाते हैं। सो यू विल फाइंड देयर बेस्ट पोजिशन वेल एंट्री अप्रोक्स नियर द FII बाइंग प्राइस, वी कैन फाइंड अप्रोक्स FII बाइंग प्राइस वेर FII इंटर इन एनी स्टॉक्स इन एनी सेक्टर, दैट इज द मेन मोटो फॉर एनालिसिस दैट सेक्टर। तो आपको मेन मोटो हमारा क्या है, ये सेक्टर की कैसे हमें किस सेक्टर में एनालिसिस करना है। सो फर्स्ट वील अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच, फर्स्ट वी एनालिसिस द मार्केट, देन एनालिसिस द सेक्टर, देन एनालिसिस द स्टॉक्स। सो दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम इन सेक्टर वाइज एंड मैक्सिमम इन मार्केट्स, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मार्केट, वेयर मार्केट इज गोइंग टू बी। तो ये आपका क्या है एनालिसिस आपको होना चाहिए इस प्रकार का। इसको हमें एनालिसिस करने के लिए अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं कि देखिए FII क्या है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेली बेसिस पे बाई और सेल दोनों करते हैं। वी आर जस्ट ओनली सीइंग द दैट नंबर कि FII जस्ट विड्रॉल द मनी, जस्ट दे आर पुलिंग आउट द मनी, बट देर इज ए दे आर इन्वेस्टेड द मनी ऑल्सो डेली बेसिस, दे हैव इन्वेस्टेड इन 20 महीने 8500 करोड़ एंड दे विड्रॉल 9800 करोड़। देर इज सम सेक्टर वेयर दे पुटिंग द मनी, There is some sector। आप चीजों को समझिए, यहां देखिए लॉजिक यही है, ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सेक्टर है जिसमें वो पैसा डाल रहे होंगे, 8500 करोड़ कहीं ना कहीं डाला है और कहीं ना कहीं से इन्होंने निकाला है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है ITC का शेयर और क्या है TCS का शेयर है, तो मैं TCS से बेचता हूं और ITC में पैसा डालता हूं, तो क्या मैंने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पैसा निकाला और FMCG में पैसा डाला, सेम चीज ये काम करते हैं, सेम चीज दे आर डूइंग दैट, दे आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम द अदर सेक्टर्स एंड इन्वेस्टेड मनी आउट फ्लो फ्रॉम द अदर सेक्टर एंड इनफ्लो इन डिफरेंट सेक्टर, दे आर डूइंग दैट। तो आपको ये चीजें समझना है कि वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं। आप इस प्रकार अगर ये चीजों को जब समझने लगेगे, लेकिन हमको क्या, हम मेन ये चीजें देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि अरे इन्होंने इतना पैसा निकाल लिया, अरे इतना पैसा निकाल लिया मार्केट में, FII पैसा निकाल रहे हैं, बट दे आर पुटिंग मनी इन डिफरेंट सेक्टर वेयर दे बीटन डाउन सेक्टर। उनका व्यू क्या होता है, बीटन डाउन सेक्टर जिसका कोई बात नहीं करता, जिसकी हमारे और आज के कोई बात नहीं करता है, जो 50% 100% वहां से चला जाता है तो टीवी पे आता है और वहां जाके फंस जाते हैं। तो आप जब इस एनालिसिस को करने लगेंगे तो आपको यहां से पता चलने लगेगा कि हाँ दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट सेक्टर, दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक्स, दैट इज द मेन क्राइटेरिया, दैट इज द मेन पर्पस
फॉर एनालिसिस द सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट, एनालिसिस वी आर डूइंग द सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो है फॉरेस्ट मटेरियल में इन्होंने पहले पूरा कंट्री में 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आप पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इनकी पहले बहुत ज्यादा 47 सेक्टर था, अभी बहुत कम सेक्टर में कर दिए हैं 24 सेक्टर में, जो प्रीवियस डाटा आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस डाटा है जो 47 सेक्टर का, पूरा 46 सेक्टर का। तो यहाँ से आप जाके पता कर सकते हैं, ये ऑटोमेटेड सीट है मेरा, यहाँ से डाटा पूरा मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो इस बेसिस पे आप अगर देखें कि हमें जो भी FII इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका मार्केट प्रति व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, वो हम कहां से देखेंगे, तो उस व्यू को हम पता करने के लिए NSDL के साइट पे जाएंगे। दोस्तों देखिए NSDL के साइट है FII मॉनिटरिंग में, आप यहां करंट मंथ का जो फाइनेंशियल ईयर का पूरी अगर डाटा देखें तो ये जनवरी में उन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट विड्रॉल किया है, फरवरी में विड्रॉल किया है, यानी पूरे कंटिन्यूस आप देखें इक्विटी में ये पूरे 5 महीने से पैसे अभी भी इसमें निकाल रहे हैं पूरे। तो आप अगर इस फाइनेंशियल ईयर का देखें, इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च और अप्रैल में, तो अप्रैल में उन्होंने 17,000 करोड़ और मार्च अभी पूरा भी नहीं हुआ, मई सॉरी अप्रैल और मई में 35,000 करोड़, यानी पूरे आप इस दोनों को ऐड करें तो लगभग 52,000 करोड़ उन्होंने क्या किया है, पुल आउट कर लिया है पैसे। और इवन देखिए मार्केट अगर गिरने वाला होता है या फिर मार्केट में इनको इन्वेस्ट होता, क्या करते हैं ये, यहाँ इक्विटी से निकाल कर डेप्ट में पैसा डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेप्ट में पैसा इन्फ्लो किया था, लेकिन ये डेप्ट से भी पैसा ही निकाल रहे हैं, आप इनकी वैल्यू देखें तो डेप्ट से भी पैसा इनका निकाल रहे हैं। इनको लगता है कि इंडियन मार्केट क्या है, पूरा ओवर वैल्यूड है, यानी पूरे 5 महीने में 1,62,000 करोड़ इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर, क्या है, पुल आउट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको डाटा यहां से क्या सजेस्ट करता है, हम अगर पूरे टॉप डाउन अप्रोच अपनाए तो क्या है, हमारा टॉप डाउन क्या है, मार्केट में मार्केट क्या है, यहां से ओवर वैल्यूड है FII के द्वारा। और आप इस प्रकार अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, तो यहाँ 4.64 चल रहा है, जो कि आप कोरोना के पहले देखेंगे 3.20 चल रहा था। तो ओवरऑल आपको ये सारी सजेशन या सारे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर एक और हम देखें कि फाइनेंशियल हमको पता कैसे चलेगा कि FII कब जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या मार्केट जो ऊपर जाता है कि नहीं, तो आप देखें NSDL साइट पे पूरे यहां से 1992 फाइनेंशियल ईयर से पूरा दिया है, ये जब जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं इनकी, देखिए इन्वेस्टमेंट जो था 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो इन्होंने क्या किया, 2008 करोड़ इन्होंने पैसा निकाला था लगभग, और उसमें देखिए डेप्ट में ये पैसा डाल रहे थे, डेप्ट में यहां से पीरियड 2009 और 2010-11 में इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, 2013 में भी ये देखिए इन्वेस्टमेंट है इनका, 14 से 15 में भी इनका 1,11,000 करोड़ का है। तो मार्केट देखिए वहां से क्या हुआ, पूरा बूम हुआ, मार्केट पूरा अप पे गया। 2021-22 जो मार्केट चल रहा था 20 और 21, अगर आप उसमें बात करें तो देखिए इन्होंने 2,74,000 का 2020-21 में रिटर्न किया था। और वहां से क्या, देखिए जब मार्केट उनको लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो डेप्ट से पैसे निकाल के क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने देखिए 2019-20 में ही काम कर दिया था, वो पूरे यहां से 18-19 से ये पूरे डेप्ट में पैसा निकाल रहे थे, 17-18 में एक अच्छा खासा डेप्ट में पैसा डाला था, वहां से उन्होंने पैसा निकाला, पैसा अपना सेव किया और क्या किया, वो पूरा आपको इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट को बूम करके लेके गए। फिर 2022-21 में इन्होंने लगभग 14,000 करोड़ क्या पैसा निकाला, लेकिन 2023-23 मैं आपको फाइनेंशियल सिर्फ 2 महीने मैं आपको दिखाया था 52,000 निकाला है, 52,000 करोड़ इन्होंने निकाला है कैसे, आप इस डाटा को देखिए, मैंने जो आपको डाटा भी दिखाया है ये देखिए अप्रैल और मई में 17,035 इसको आप ऐड करेंगे तो पूरे 52 होगा, और इन्होंने 10,000 करोड़ लगभग डेप्ट से भी पैसा निकाला है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए 14 और ये आपको 52,000 करोड़ और 10,000 करोड़ पूरे FII जो है पूरे कैश में और आपको डेप्ट दोनों जगह से पैसा निकाल रहे हैं अभी भी। तो इनको लगता है कि क्या है, अभी भी मार्केट यहां से ओवर वैल्यूड है इंडियन मार्केट, तो मार्केट कहां से ऊपर जाएगा, हमको लगता है कि मार्केट का ये बॉटम बन गया, टॉप बन गया। आप इस प्रकार का जब लॉजिक और डाटा आप एनालिसिस करेंगे और डाटा आप ये रिकॉर्ड करेंगे तो आपको मार्केट की क्रिस्टल क्लियर व्यूज और क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में डाल रहे हैं, देखिए मार्केट जब चलता है, अगर मार्केट बेरिश है और गिर रहा है तो भी कोई ना कोई एक ऐसा सेक्टर, कोई ना कोई एक स्टॉक होता है जो चलता है, तो हमको वो चीजें पकड़नी है, उसमें वो चीजें पकड़नी है जो हमको ये आपको सीट जो हमारा बताता है कि हाँ इस सेक्टर में बाइंग हो रहा है तो उस सेक्टर को चलेगा। आप देख रहे होंगे कि मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा है लेकिन मेटल और माइनिंग सेक्टर वहां से जो पंप किया गया, मार्केट में IT से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पैसा हमेशा निकाला गया। अभी भी देखिए जब वहां पूरे जब बूम पे था मार्केट उस समय IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरा पैसा निकाला जा रहा था और लोग वहां बोल रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगा, वो उसकी नया हाई बनाएगा इस तरह का। तो आप यहाँ पे जब डाटा पे बात करने लगेंगे
तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, इसमें कुछ भी आपको सीखने मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर ये बताएं कि नहीं इस चैनल पे डाटा पे बात होता है, और उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें, ये चैनल का लिंक शेयर करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आने वाले समय में आपको हेल्प हो और आप इसी तरह जो है क्या डायलेमा में होकर एनालिसिस ना करें, आपको एक बेटर एनालिसिस आना चाहिए मार्केट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको एनालिसिस थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के पास डाटा पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है। इस वीडियो के आधार पर कोई भी बाई सेल किसी भी सेक्टर में ना करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, ताकि आपको आप अगर खुद के एनालिसिस करेंगे तो आप इस सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए।